झलकौआ जानू मारे लहंगा लखनऊआ। कोई राय देती हूँ तो अपने अकॉर्डिंग, मुझे ये जरूरी नहीं है कि जनता मेरे राय से मतलब अपना राय मिलाए, जरूरी नहीं है। सबके नजर में उनके अकॉर्डिंग जो सही होगा वो होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे खेसारी जी सही है, इसलिए क्योंकि उनका गाना पहले रिलीज हुआ है। अगर रितेश जी का गाना पहले रिलीज होता तो वो सही होते। अभी वो एक महीना पहले गा के रखे थे या एक साल पहले गा के रखे थे, नॉट इम्पोर्टेंट। रिलीज पहले किसका हुआ ये इम्पोर्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग खेसारी जी इज राइट। लेकिन मैंने तो किसी और की थी ना, एक महीने पहले किसी ने और ने उसको सजाया था अपने तरफ से, तो मैंने तो किसी और की थी। उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एज अ सिंगर इस चीज को जानती हूँ कि मैं पहले से, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और आपके रिलीजिंग के पहले कोई और फोन से रिकॉर्ड करके रिलीज कर दे तो फिर आपका उस पर कोई राइट नहीं है। पहले जिसने रिलीज किया उसका ही राइट बनता है। आपको गाने याद हैं वो? हाँ, एक लाइन याद है। अरे गोरी तोरी चुनरी पा झलकौआ जानू मारे लहंगा लखनऊआ। खेसारी जी बेस्ट ऑफ लक, आप हमेशा से अच्छा करते आए और आगे भी अच्छा करिए, हम सारे लोग आपके साथ। पांडे जी को नहीं कुछ कहेंगे जिस तरह से उनका गाना किसी ने चोरी कर दिया है और काफी समय? आप फिर से गलत बोल रही है, किसने चोरी किया ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, जो पहले गाया वो उसका पहला राइट। म्यूजिक डायरेक्टर का भी आरोप है खेसारी के ऊपर। अब क्या बोले, किसको सही बोले किसको गलत बोले, यहाँ सब सबके गाने चुरा चुरा के गा रहे, सभी लोग एक दूसरे का उठा उठा के गा रहे, तो किसी को चोर नहीं बोल सकते हैं। दिल को नहीं चुरा। क्या आपने कभी चोरी किया कोई गाना? जी नहीं, तौबा, भगवान इस आरोप से बचाए रखे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा स्टार्डम ही नहीं चाहिए मुझे कि मैं किसी और का गाना उठा के। दोनों को कोई सलाह देना चाहिए? हाँ, कृपया अपना अपना गाना गाए, फालतू में इंडस्ट्री का नाम खराब ना करें, सभी लोग मिलकर जो भी हो। बहुत बढ़िया। ऑडियंस को कुछ कहेंगे जो गाली ग्लोज लिख रहे हैं चीजों को? गाली गलौज मत करिए आप लोग, आप जिसको सपोर्ट करते हैं, जो रितेश जी के सपोर्टर है आप उनको सपोर्ट करिए, जो खेसारी जी के सपोर्टर है वो खेसारी जी को सपोर्ट करें। गाली गलौज करने से अपनी संस्कृति खराब होती है, अपनी भोजपुरी खराब होती है, तो ये चीज मत करिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और मेरे बहुत सारे गाने आ रहे हैं तो सुनिएगा जरूर, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और फिल्मों को भी ढेर सारा।